हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा ने सिर्फ हमें ही नहीं, चल अचल, सजीव निर्जीव, चरिंद परिंद, सबको पागल बना रखा है। अब साईं बाबा के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। उनके दर्शन नहीं होते तो लगता है हमने कोई पाप किया है। मैं भी जब नासिक से चाय की पत्ती लेकर आता हूँ तो सबसे पहले साईं बाबा के चरणों में रखता हूँ। वो उसको हाथ लगाते हैं तब मैं अपनी दुकान पर लेके जाता हूँ। माधवराव जी, मैंने सुना है साईं बाबा ने आपको सर्प के बारे में सावधान किया है। मजाक मजाक है, साईं बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधवराव जी कि साईं बाबा कभी असत्य वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता है। और अगर उन्होंने मजाक भी किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। हम तो शिरडी पहुँच रहे हैं सगुन, अब सांप को मौका कहाँ मिलने वाला है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। माधवराव जी, माधवराव जी होश में आइए, होश में आइए माधवराव जी। साईं बाबा, अब तो आप ही माधवराव जी को बचा सकते हैं। चलो वैजी, वैजी, ये सगुण नायक माधवराव जी को लिए कहाँ जा रहा है? ना जाने क्या हो क्या है इसे। माँ, क्या हुआ माधवराव जी को? माँ, वो गुरु जी को सांप ने काटा है। क्या? हाँ, सांप ने काटा है। अरे बाप रे, शायद उन्हें मालूम नहीं वैजी तो यहाँ है। हाँ। अरे राम राम राम, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें सगुन? अरे जल्दी से इन्हें पेड़ के नीचे बिठा दो। हाँ, पहले मैं जहर को फैलने से रोकता हूँ। लेकिन वैद्य जी, हाँ? इनकी हालत देखिए, जहर तो फैल चुका है। मेरी जैसी भी हालत है सगुन। सगुन नायक, मुझे जल्दी से द्वारका माई ले चलो। आई? अब जो भी करेंगे साईं बाबा ही करेंगे। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। क्या हुआ, ऐसे क्यों पकड़ा है माधवराव जी को? इन्हें सांप ने काटा है मालसापति। साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे बचाइए, सांप ने मुझे, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा। चले जाओ। साईनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? जाओ, हटो, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वैद्य जी, साईं बाबा आपको जाने को बोल रहे हैं, वो भी डांट कर। अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो, वो माधव राव को बोल रहा है। कृतज्ञ। इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने, अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराज जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, तो फिर माधवराव जी को। हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे, उतर। साईं बाबा, गुरु जी तो आपके भक्त है, और फिर आप ही ने तो कहा था कि आपका और गुरु जी का बेहतर जन्मों का संबंध है। फिर आप माधवराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं साईं बाबा? रुक जाओ, हट जाओ यहाँ से, मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम चले आए, अब बच नहीं सकते तुम। मैं कहता हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ये ले, हट जा, भाग यहाँ से, उतर उतर नीचे, नीचे उतर, भाग भाग यहाँ से। इससे पहले तो साईं बाबा
कभी इतने गुस्से में नजर नहीं। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं आपके चरणों, मैं कहता हूँ नीचे उतर। शीश रगड़ने आया हूँ साईं बाबा, शीश रगड़ने आया हूँ। नीचे उतर, नीचे उतर, मैं बोलता हूँ नीचे उतर। नहीं ऊपर मैं चढ़ना, तुम नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे जा, चला जा, चला जा यहाँ से। खबरदार जो ऊपर चढ़ा, नीचे नीचे उतर, मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। माधवराव जी, ये दवा पी लीजिए, फौरन पी लीजिए, जहर फैलने से रुक जाएगा। माधवराव जी मेरी बात सुनिए, नीचे नीचे। माधवराव जी, नहीं चाहिए मुझे दवा, अब मुझे साईं बाबा की कृपा चाहिए। आशीर्वाद चाहिए साईं बाबा को, मुझे बचाना होगा, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। आपने मुंह मोड़ लिया साईनाथ, तो मैं किसकी शरण जाऊं, किसके शरण जाऊं। श्यामा, कैसे हो अब? ठीक हो ना? आपने मुझे कृतज्ञ कहा? कोई अपने भगवान से भला कैसे कृतज्ञ हो सकता है? मैं आपकी शरण में आया, आपने मुझे ठुकराया, मुझे डांटा, उस पर चिल्लाए, उधर जाओ, ऊपर मत आना, चले जाओ। अरे मुझे मुझे सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा, जानते हो तुम? अगर मुझे ठुकरा रही था तो बुलाया क्यों साईनाथ, बुलाया क्यों? आप मेरे गुरु हैं और आप ही ने मुझे ठुकराया, सबके सामने मेरा उपहास किया। जब गुरु ही शिष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो शिष्य के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय अपने जीवन समाप्त करने के। अब मैं भी यही करने जा रहा हूं, मैं यही द्वारका माई में ही आपके चरणों में अपना दम तोड़ूंगा, दम तोड़ूंगा। ठहरो श्यामा, ऐसे कैसे दम तोड़ दोगे श्यामा? मैं तुम्हें भला मरने दूंगा? कैसे शिष्य हो तुम, गुरु की भाषा भी नहीं समझते? अरे मैंने तुम्हें नहीं, उस सांप को कृतघ्न कहा था। पिछले जन्म में तुमने उस पर बहुत उपकार किया था, फिर भी उसने इस जन्म में तुम्हें डंक मारा, क्या वो कृतज्ञ नहीं था? लेकिन बाबा, आपने गुरुजी को सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ने दी? मैंने नहीं तो लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे गुरुजी तो मेरे श्यामा हैं, श्यामा। ये मुझे डांट भी सकता है,
इसकी डांट मुझे प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। मैं भला सीढ़ी चढ़ने से कैसे रोक सकता हूँ लक्ष्मी बेटी? लेकिन आपने रोका साईं बाबा, आपने कहा ऊपर मत चढ़ो, नीचे उतरो, उतरो नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मैंने सांप के जहर को उतारने के लिए कहा था, नीचे उतरो और नीचे उतरो, उतरो और नीचे। श्यामा, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा था, वो तो मैं सांप के जहर को उतारने के लिए क्रोध रूपी विष का प्रहार कर रहा था, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को मारता है। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों का संबंध कैसा है।